आज के एपिसोड में हम सीखेंगे हाउ टू सेंड योर प्रोडक्ट्स टू Amazon FBA या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स को Amazon FBA में कैसे सेंड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल इन हिंदी और उर्दू कमिंग अप। हाय एवरीवन, मैं हूँ हर्षवर्धन और आज के एपिसोड में जैसे कि आपने टाइटल से समझ ही लिया होगा कि हम सीखेंगे कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करके Amazon FBA के लिए सेंड करेंगे। तो उसकी प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस क्या है और स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे कर सकते हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर अंत तक देखें ताकि आप किसी भी स्टेप को मिस ना करेंगे। अगर कोई भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, उससे आप इस चैनल के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल Amazon सेलर सेंट्रल में जाना है, फिर आपको आना है यहाँ पर टॉप पर इन्वेंट्री में और सिलेक्ट करना है मैनेज FBA इन्वेंट्री, और फिर आपको जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं आप उनको सिंपली यहाँ से कॉर्नर से चेक कर लें जो भी आपको सेंड करने हैं। याद रखें, आपको पहले एक लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपने लिस्टिंग क्रिएट नहीं की है तो पहले लिस्टिंग क्रिएट करिए, प्रोडक्ट को लिस्ट करिए, उसके बाद ही आप इसको FBA में सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पर, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस ऑप्शन में आना है और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एक मिनट, अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो एक्शन ऑन 3 सिलेक्टेड का ऑप्शन आता है, फिर हमें सिलेक्ट करना है सेंड और रेप्लेनिश इन्वेंट्री। ये करने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा कि यू हैव सिलेक्टेड 3 ऑप्शंस और 3 इन्वेंट्री फॉर सेंड और रेप्लेनिश इन्वेंट्री, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस कंटिन्यू, सो प्रेस ऑन द यस कंटिन्यू ऑप्शन। ये आपकी यहाँ पर इन्वेंट्री शो कर देगा कौन सी आपको इन्वेंट्री आप सेंड कर रहे हैं। अब देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पर शिप टू, ये आपके जो FC सेंटर आपने सिलेक्ट किए थे 4, वो आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और इंडिविजुअल प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं या फिर आप पैकेट चूज़ कर सकते हैं। अगर एक पैकेट में एक ही प्रोडक्ट है और फिर यहाँ पर आप कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान। अगर आपका एक जैसा ही प्रोडक्ट है एक पैकेट में तो आप केस पैक्ड आइटम्स का सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपके यहाँ पर शिप टू जो सेंटर दिखाई दे रहा है, ये वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है जो आपने ऐड किए थे अपने GST पोर्टल पर, जो उसके लिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख लें। तो अब यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये आपका प्लान नेम है सेंड और रेप्लेनिश इन्वेंट्री, यहाँ पर आपके रजिस्टर एड्रेस होगा, यहाँ पर शिप टू होगा जो भी सेंटर है, फिर कौन से प्रोडक्ट हैं, 1 of 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं, फिर ये एरर दिखाई दे रहा है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्लीज़ एंटर द क्वांटिटी ऑफ द यूनिट्स यू वांट टू सेंड, कि उसकी कितनी क्वांटिटी आप सेंड करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट की जितनी भी क्वांटिटी है आप वो यहाँ से या तो टॉप पे डाल दें, एक बार सबके पास आ जाएगी, वो सेम रहेगी, लेकिन अगर आप डिफरेंट है क्वांटिटी तो आप एक एक सिलेक्ट करके वहाँ से कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर शो SKASIN और FNSKU दिखा दें, तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट को ये लिंक ओपन हो जाएगा और आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट वही है कि नहीं। आप इसे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब कर देते, उससे कि आपका एक प्रोडक्ट डिफरेंट पेज पर जो लिस्टिंग है वो खुल जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट कौन सा है एक्चुअल में, और फिर यहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर प्रेस करना है और फिर ये ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा, आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर ऊपर आना है प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, फिर यहाँ पर ऑप्शन आएंगे प्रिपरेशन में भी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पर देख सकते हैं लेबलिंग प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट्स पर आपको एक लेबल चिपकाना पड़ेगा जो कि आप देख सकते हैं एक कोड होता है
बार कोड टाइप के, तो वो लेबल आपको इसमें सारे प्रोडक्ट्स पर लगाना पड़ेगा। तो आप इसके लिए अमेज़ोन को भी चूज़ कर सकते हैं कि वो लगाएं, या फिर आप खुद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल आपको प्रिंट निकालना है। तो यहाँ पर SKUN दिखा सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि कितनी यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं, और कितने लेबल प्रिंट करने हैं ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट के। इसमें जितने भी, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है अमेज़ोन, अगर आप चाहते हैं कि अमेज़ोन करे तो अमेज़ोन पे सिलेक्ट कर दें, या फिर आप चाहते हैं सेलर तो सेलर कर दें, और मोस्ट लाइकली वो उसका चार्ज लेते हैं, लेकिन सब जगह ये अवेलेबल नहीं है सर्विस सबके लिए। तो यहाँ पर मैंने सेलर सिलेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ लेबल जो कि ऑटोमेटिकली होते हैं, जितनी यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये नंबर अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट होता है। उसके बाद प्रिंट लेबल्स फॉर दिस पेज, और यहाँ से आप पेज का साइज चूज़ कर सकते हैं, कोई भी कितने लेबल आपको एक पेज पर प्रिंट करने हैं। ठीक है, जब ये प्रेस कर देंगे तो ये एक PDF फाइल डाउनलोड होगी, उसको स्टार्ट कर दें और ओपन कर लें। डाउनलोड करने के बाद तो ये देखिए ये कुछ इस तरह के बार कोड दिखाई देते हैं। आपको सिंपली इनको प्रिंट करना है, फिर इनको काट कर आपको चिपका देना है अपने प्रोडक्ट्स पर। तो इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंटर खोल लेते हैं, और यहाँ से इसको फिट टू स्केल करके आप जो भी सेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं इसमें, वो सेटिंग अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लें और फिर इसको प्रिंट कर लें। प्रिंट होने के बाद आपको फिर यहाँ पर आना है कंटिन्यू उसी पेज पर, और फिर इसको प्रेस कर दें कंटिन्यू पे, और फिर एक नया पेज खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ से आप उसका रीनेम कर सकते हैं, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, और फिर आपको करना है अप्रूव शिपमेंट या फिर डिफ़ॉल्ट रहने दें, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि व्यू स्पेसिफिक आइटम्स, और जो भी आपके आइटम्स हैं वो यहाँ पर शिप्ड आइटम्स, तो वो आपको दिखा देगा। यहाँ पर प्रेस करके आप देख सकते हैं SKUN, और एक बार कंफर्म कर लें कि आपके प्रोडक्ट वही हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं, उसकी यूनिट कितनी है और टोटल यूनिट कितनी है। ये सब करने के बाद आपको प्रेस करना है अप्रूव शिपमेंट पे, और फिर आप देख सकते हैं कि ये एक ओपन होगा न्यू पेज। फिर यहाँ से आपको प्रेस करना है वर्क ऑन शिपमेंट, या फिर आप डाउनलोड SKU लिस्ट, यहाँ पर SKU लिस्ट कर, मतलब आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो करनी ज़रूरी है, और उसको फिर आप ओपन कर लें। ये एक्सेल में खुलेगी, एक्सेल फाइल होती है ये, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी यूनिट है, कहाँ पर ये जा रहा है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, शिपमेंट आईडी वगैरह, तो आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर वर्क ऑन शिपमेंट, इसको प्रेस कर दें, फिर आपके पास एक ये फाइनल पेज ओपन हो जाएगा, रिव्यू एंड सेंड द रिप्लेनिश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से शिप करेगा, आप शिपिंग एड्रेस दूसरा भी चेंज कर सकते हैं इसका, कहाँ पर जाएगा, कितनी यूनिट्स हैं, वो सब डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और फिर डिलीवरी सर्विस, अब आपको डिलीवरी सर्विस यानी कि कूरियर चूज़ करना है। आप इसमें अपना कूरियर भी चूज़ कर सकते हैं और अमेज़ोन का अपना भी चूज़ कर सकते हैं, तो और थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर, लेकिन बेस्ट जो है मेरे एक्सपीरियंस में वो अमेज़ोन इनबाउंड सर्विस है। इसके चार्ज तो थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन ये हमेशा टाइम पर आते हैं और टाइम से आपका पिकअप ले जाते हैं, और इनकी पूरी जिम्मेवारी होती है। लेकिन अगर दूसरे सिलेक्ट करते हैं तो उनसे आपको प्रॉब्लम होती है, मेरे को कई बार हुई है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे शिपमेंट पैकेजिंग,
तो यहाँ पर आपको बॉक्सेस सिलेक्ट करने हैं, अगर आपने एक बॉक्स किया है तो वो, और फिर उसकी यहाँ पर डायमेंशन डाल दें कितने साइज़ का है वो, उसको नाप कर, और फिर यहाँ पर जैसे करेंगे तो यहाँ पर आप दिखा देगा ये आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस एक टाइम में कितने सेंड कर सकते हैं, ये कब आपको सेंड करना है वो ये अवेलेबल डेट यहाँ पर दिखा देगा, जो कि जो भी फर्स्ट अवेलेबल डेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दें, और सिलेक्ट माय पिकअप स्लॉट जो भी टाइम है, जो भी जल्दी का टाइम सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर लें, तो सुबह की पिकअप होती है एक शाम की होती है, तो दोनों सिलेक्ट कर लें। फिर डिक्लेयर्ड वैल्यू, इसमें आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है वो आप यहाँ पर डाल दें, और फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा कैलकुलेट कितना चार्ज लगेगा, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कैलकुलेट पर, तो ये आपके पास देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है कि इसके वेट लगेगा जो वो 8 kg का लगेगा, और इसके जो प्राइसेस हैं चार्जेस हैं वो लगेंगे 15578। तो एक्चुअल वेट मैंने 8 kg लिखा था इसका, लेकिन जो बिलेबल वेट है वो 11 kg का लगेगा, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक वेट में आता है वो काउंट करेंगे। और देख सकते हैं चार्ज कोई ज़्यादा नहीं है, 155 rupees है बहुत आसानी, जो कि आपको पे भी नहीं करने हो। फिर यहाँ पर आपको चेक करना है आई एग्री टू दी टर्म्स एंड कंडीशन, और वो सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट चार्जेस, तो अब उसके बाद आप चार्जेस एक्सेप्ट कर लें, और इसकी जो भी लिस्ट है इन्वेंट्री की, जो SKU लिस्ट हमने डाउनलोड की थी, उसका एक स्टॉक डिलीवरी चालान क्रिएट करना है और वो सेंड करना है। उससे पहले यहाँ पर आपको कर लेना है प्रिंट बॉक्स लेबल्स, और ये प्रिंट बॉक्स लेबल्स पर क्लिक करेंगे तो एक अगेन फाइल ओपन हो जाएगी, तो ये फाइल आपकी ओपन हो गई है। अब आप इस लेबल को प्रिंट कर लें, इस पे दो लेबल हैं, एक ये है और एक ये है, तो आपको ये दोनों टॉप पर आपको प्रिंट करने हैं, टॉप पर आपको पेस्ट करने हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर ये मुड़े ना, जो कि फ्लैट सरफेस हो, इसको प्रिंट कर लें, और पैक करने के बाद टेप वगैरह लगा के आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया है। और फिर मुझे ये जो हमने इसका पैकेज लेबल प्रिंट किया था, इसके हम काट के इसको, ये दो हो गए हैं, अब इनको हम यहाँ पर टॉप पे हमने इसको पेस्ट किया है। तो इसको पेस्ट करने के लिए ध्यान रखें कि वो स्कैन करते हैं, तो इसलिए फ्लैट सरफेस पे हो ये और ये मुड़े ना, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो वो स्कैन नहीं कर पाएंगे और आपका शिपमेंट वहाँ पर अटका रहेगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वापस आएगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, फ्लैट सरफेस पर सही से इसको चिपकाएं, और फिर वो जो आएगा बंदा उसको दे दें, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आना आपको होगा, यहाँ पर बुक एप्स अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने 6 स्टेप दिखाई दिया, लेकिन आपने सिर्फ कंप्लीट शिपमेंट पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है बुक एप्स अपॉइंटमेंट, बिकॉज वो हमारा स्टेप पहले ही कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये कंफ्यूज़ कर देते हैं, इन्होंने 6 दिया है, और फिर आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली आपका वो रेडी हो गया है, कैरियर स्टेटस शिप्ड, शिपमेंट कॉन्टेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके कॉन्टेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी आपने यूनिट चेंज सेंड की है, उसके नाम, उनकी क्वांटिटी, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर क्लिक ना करें, बस आपका ये हो गया। आप प्रिंट लेबल प्रिंट कर दें, और यहाँ से आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, इन्वेंटरी और मैनेज FBA, यहाँ पर मैनेज FBA शिपमेंट में अगर आप जाएंगे, इन्वेंटरी और मैनेज FBA शिपमेंट, तो यहाँ पर आपको शिपमेंट की ट्रैकिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो टॉप का होगा वही आपका रीसेंट FBA वाला होगा ऑप्शन, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं रेडी टू शिप, और यहाँ पर सिलेक्ट कर लें ट्रैक शिपमेंट, और जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं ये इसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, बाद में चेक कर सकते हैं जब भी आप चाहें, तो यहाँ से आप डाउनलोड SKU लिस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस स्टेप में जब मैंने बताया था वहाँ पे नहीं की है तो। और फिर अब आप देखिए इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं सही से, क्योंकि ये
कॉलम्स की विड्थ वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट अजीब सी होती है, तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ये सीख लें कैसे करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दो नए कॉलम बनाने हैं, एक तो MRP का और दूसरा आपको लिखना है टोटल वैल्यू। तो दो ये नए कॉलम आपको इसमें क्रिएट करने हैं। और फिर आपको एक स्टॉक डिलीवरी चालान का ऑप्शन, एक ये फाइल है, टेम्पलेट है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे अमेज़ोन से तो वो भी आपको सेंड कर देंगे। और फिर इसका MRP यहाँ पर सबका कॉपी कर दें जो भी MRP है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके यूनिट से फाइनल वैल्यू आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर टोटल वैल्यू नीचे लिख दें और इन सब का टोटल कितना है वो आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है। ये करने के बाद हमारा ये रेडी है। अब इसको हम स्टॉक डिलीवरी चालान और STN बोलते हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र नोट, तो वो हम क्रिएट करेंगे इसकी हेल्प से। इसको हम सही से अलाइन कर लेते हैं। जो भी एडजस्टमेंट आपको इसमें करनी है वो आप कर सकते हैं, अगर कुछ रह गई है तो। इनके कॉलम्स की विड्थ वगैरह को आप प्रॉपरली एडजस्ट कर लें। इसको करने के बाद आपको ये सारे कॉलम को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, और ज़ूम इन करके इसको बड़ा कर लें और फिर इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C से कॉपी। और फिर आपको ये टेम्पलेट जो स्टॉक डिलीवरी नोट का, स्टॉक ट्रांसफ़र नोट का है, उस पर आपको यहाँ पर आना है और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लें ताकि ओरिजिनल सेव रहे। और इसको अब वाला आप FBA का नाम दे सकते हैं, जो भी आपने FBA का शिपमेंट का नाम दिया है, तो स्टॉक ट्रांसफ़र नोट FBA एंड दिस एंड दैट, वट एवर यू वॉन्ट टू नेम हेयर, मैंशन दी नेम। और अगर आप चाहते हैं कि ये स्टॉक ट्रांसफ़र नोट का टेम्पलेट डाउनलोड करना, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। और फिर आपको ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आना है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर दें, या फिर आप राइट क्लिक करें और पेस्ट स्पेशल में जाएं, यहाँ पर ऊपर GST नंबर डाल दें और ये सिलेक्ट करके पेस्ट एज पिक्चर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे आपकी जो ये है लेआउट है वो बना रहेगा। अगर आप सिंपल पेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आप इसकी डेट चेंज कर दें, जो भी डेट है, करंट डेट, और बस ऊपर आपका ये हो गया आपका कंपनी का नेम, कंपनी हैड, और यहाँ पर आप साइन करके इसको प्रिंट करके साइन कर लें। और इस पर स्टैम्प लगानी ज़रूरी है, तो इसकी तीन कॉपी आपको निकालनी है। एक कॉपी आपको पैकेज के अंदर रखनी है, एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है, और एक कॉपी जो कुरियर वाला आएगा आप उसको दे सकते हैं, या फिर इसको टॉप पर भी फोल्ड करके एक पन्नी में डालकर पेस्ट करके उस पर करनी है पैकेज पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसको कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने प्रिंट ले लिया है, और इन स्टॉक ट्रांसफ़र नोट पे आपको स्टैम्प लगानी है, साइन करने हैं, और फिर इसको फोल्ड करके देखिए, ये पैकेज है, इस पैकेज के अंदर रख देता हूँ और इसको पैक कर देता हूँ। उसके बाद आप अपनी ऑफिशियल ईमेल खोल लें, और वहाँ पर आपके पास एक ईमेल भी आई होगी कि आपको ये जो इन्वेंट्री या स्टॉक ट्रांसफ़र नोट है वो एक ईमेल एड्रेस पर चेक सेंड करना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप दिए हैं प्रोसेस, कौन कौन सा क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आएगा ईमेल ऑल शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स टू दिस एड्रेस, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस ईमेल एड्रेस पर, या फिर आप कॉपी करके एक नई ईमेल कंपोज कर लें। फिर यहाँ पर आपको उसका जो सब्जेक्ट देना है वो स्टॉक ट्रांसफ़र नोट फॉर आपकी कंपनी का नाम, जो भी स्टोर नेम है वो लिख सकते हैं, और फिर आप लिख सकते हैं हाय काइंडली फाइंड अटैच्ड स्टॉक ट्रांसफ़र नोट फॉर दी शिपमेंट ID, जो कि वहाँ से आप कॉपी कर लें जो भी शिपमेंट ID आपने क्रिएट की थी, और फिर यहाँ पे अटैच कर दें आपके स्टॉक ट्रांसफ़र नोट फाइल को। इसमें ध्यान रहे SKU लिस्ट नहीं करनी है आपको, जो स्टॉक ट्रांसफ़र नोट हमने वर्ड पैड पर क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अटैच कर देना है। आपको कन्फर्म कर लेना है एक बार अटैच करने से पहले कि ये वही चीज़ है या नहीं है,
क्योंकि गलती से आप गलत ना भेज दें। अगर गलत भेज दिया तो वहाँ पर आपका शिपमेंट अटक जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो वही एक्सेप्ट करेंगे जो भी लिस्ट उनके पास ये गई है। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखें, इसको ओपन करके चेक कर लें और बस चेक करने के बाद इसको सेंड कर दें। ये आपकी ईमेल सेंड हो गई। अब आपका कल वो जो आएगा, जो भी आपने डेट चूज़ करी है, अमेज़ोन का बंदा आएगा, उसको आपने वो शिपमेंट दे देना है, पैकेज दे देना है। वो आपका 2-4 दिन में, 5 दिन पर डिपेंडिंग, कई बार हफ्ता भी लग जाता है, हफ्ते के अंदर वो आपके पास पहुंच जाएगा आपके एफसी सेंटर में। आप उसको शिपमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। अब जैसे दिवाली का सीज़न है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे को भी अराउंड दिल्ली की दिल्ली में ही जाने में कम से कम उन्होंने 7-8 दिन लगा दिए हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। तो उससे आप परेशान ना हो, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सेलर सेंट्रल पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपका शिपमेंट अभी तक क्यों नहीं पहुँचा है, तो वो आपको बता देंगे। तो बस यही था। इस तरह से आप अमेज़ोन में FBA में अपने प्रोडक्ट को सेंड कर सकते हैं। हालांकि मैंने सारे स्टेप्स को क्लियरली बताया, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आप स्टिल कुछ नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्द ही मैं एक अपनी वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूँ इस टॉपिक पर, अमेज़ोन सेलिंग पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वेबसाइट बनाऊं तो आप कमेंट में यस लिखिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे यूज़फुल, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं कुछ शीट्स, कुछ PDFs एंड बहुत सारे अदर यूज़फुल मटेरियल्स, क्योंकि वो यहां पर नहीं डाल सकते हैं तो वेबसाइट पर वो बेटर रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वेबसाइट बनाऊँ तो आप कमेंट में यस लिखें। सो थैंक यू सो मच, बाय। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड।